नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के हजारों कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं, तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो आउटसोर्स पॉलिसी पर बैठक लटकी, कर्मियों को स्थायी नीति बनाने का हुआ था फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे 28,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। इसकी वजह यह है कि चुनाव से पहले फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कुछ पॉइंट तय किए गए थे, लेकिन इसके बाद दूसरी बैठक अब तय नहीं हो पाई है। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अब कौशल विकास निगम के तहत ही लाया जाएगा और बीच में से ठेकेदारों को हटा दिया जाएगा। इससे इन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जानी थी, जबकि वित्तीय मसलों पर कैबिनेट ने कुछ स्पष्ट नहीं कहा था। इसके लिए कौशल विकास निगम को कौशल विकास एवं रोजगार निगम के रूप में बदलने और इसे कंपनी बनाने का फैसला हुआ। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना ने तकनीकी शिक्षा और श्रम विभाग के सचिवों के साथ एक बैठक कर इनसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने को कहा था। वहीं इस बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव अमिताभ अस्थी और श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव अक्षय सूद मौजूद थे। ये डॉक्यूमेंट तैयार है, लेकिन अभी दूसरी बैठक डेट तय नहीं हुई है। पिछली बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग को कौशल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के नियम और शर्तों पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। वहीं अब जब तक दूसरी बैठक नहीं हो जाती, तब तक यह तय नहीं है कि आउटसोर्स को लेकर कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार पॉलिसी कब बनेगी। दूसरी ओर बात करें तो श्रम विभाग से यह डिटेल मांगी गई थी कि पूरे प्रदेश में अब तक कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हालांकि यह डाटा इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी ने तैयार कर लिया था और पहले से ही सरकार के पास मौजूद है। अब सवाल यह है कि नई सरकार के आने से पहले क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस अपने स्तर पर फाइनल पॉलिसी नोटिफाई कर सकते हैं या नहीं। आउटसोर्स कर्मचारी 20 पॉलिसी को मतदान से पहले सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की आउटसोर्स पॉलिसी पर बैठक लट गई है। वहीं कर्मचारियों को स्थायी नीति बनाने का पिछली बैठक में फैसला हुआ था। तो दूसरी ओर बात करें तो अब नई बैठक जो है नई सरकार बनने के ही बाद हो पाएगी। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।